જોડાઈ ગયા છે સ્વામીજી અબ અનુભવાનંદજી, તો એમની વાણીનો આપણે લાભ લઈએ અને એમને વેલકમ કરીએ. હલો સ્વામીજી. હલો. નમસ્તે નમસ્તે ઓર પ્રણામ, સાદર પ્રણામ આપકો હમારી ટીમ કી ઓર સે ઓર પૂરા યે જો મેરા હવાઈ પરિવાર હૈ ઉનકી ઓર સે આપકા હમ સ્વાગત કરતે હૈ 92 FM ન્યૂ સાઉન્ડ પર. હવાઈ પરિવાર માને હવાઈ મે રહેતે કે આપ? हाँ, हवाई में ही रहते हैं क्योंकि हम हवाई के मौजों से, हवा के मौजों से ही जुड़े हुए हैं और आपके साथ भी अभी हवा के मौजों से ही जुड़े हुए हैं. आपका नंबर तो यूके का दिखता है और हवाई तो अमेरिका में है, इसलिए हमने कहा हवाई परिवार मतलब कि ये जो हम रेडियो से जो हमारा एक बड़ा बहुत बड़ा परिवार बना है. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए. तो आज हमें आप अपनी वाणी का और हमें कुछ ज्ञान दीजिए जो आप गीता पर पठन करवाते हैं सबसे. यहाँ पर आपका लेक्चर चल रहा है इल्फर्ड में, प्रजापति हॉल में. हाँ जी, प्रजापति हॉल में. तो हमें कुछ गीता गीता के बारे में समझाइए कि हमें किस तरह से. मैं तो यही पूछूंगी कि आज जो एक माहौल बना है, कुछ महाभारत जैसा ही बना हुआ है, पांडव और कौरव और सब एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, कहीं युधिष्ठिर है, कहीं कहीं शकुनी है, कृष्ण को ढूंढना है, अर्जुन को भी ढूंढना है, तो इस हालत में हम क्या कर सकते हैं और कैसे जिएंगे? देखो, भगवद गीता को समझना है तो ये समझना होगा पहले कि भगवद गीता कहाँ आती है. तो भगवद गीता महाभारत का एक भाग है. और यह भगवद गीता किसने किसको बताई पहले ये समझना आवश्यक है. अच्छा, तो नॉर्मली तो हम लोग यही कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई, लेकिन उतना पूरा तथ्य नहीं है ये. एक तो भगवद गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बनाई बताई, दूसरी भगवद गीता भगवान वेद व्यास के प्रसाद से भगवान ने बताई हुई गीता संजय ने सुनी थी अपने पैलेस में बैठकर ही. यस. तीसरी बात यह है कि जो गीता हम लोग पढ़ते हैं वो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई हुई थी. हाँ जी. अब देखो कितनी गीताएं हो गई. हाँ. अब इस पर कभी कोई विचार करता है क्या? नहीं, वही फिर चाइनीज विस्पर जैसा नहीं करता, बस ऊपर ऊपर से अपना बता देते हैं. तो किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करना हो ना, तो उसकी वास्तविकता ठीक से समझ में आनी आवश्यक है. अच्छा अच्छा, दूसरी बात ये है, ये तीन लोगों ने गीता सुनी बताई और सुनी, ठीक है. अब इन तीनों को क्या हुआ गीता सुनने के बाद, ये भी तो चिंतन करना आवश्यक है. हाँ जी. तो धृतराष्ट्र ने जो गीता सुनी संजय से, तो उसको क्या हुआ इसका कहीं भी रेफरेंस नहीं है पूरे महाभारत में. हाँ जी. माने पूरी गीता सुन के भी कुछ नहीं हुआ. यही है हम लोगों की गीता सुनने का तरीका. कितने बार हम सत्संग सुन लेते हैं, लेकिन जैसे प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, स्टेज पर जब है तब बड़े अच्छे हो गए, स्टेज से नीचे उतरे कि फिर वही धुआंधार शुरू. उसी प्रकार से ये प्रोफेशनल सत्संगी जो होते हैं वो हर सत्संग में जाएंगे, लेकिन उनका जीवन देखो तो उसमें कोई तथ्य नहीं रहता. और ऐसे लोग जो है ना अपने गीता के नाम को बदनाम करते हैं. लोग कहते हैं ऐसे लोगों को लेकर के, देखो ये गीता सुनने वाला है ना, इसीलिए ऐसा व्यवहार करता. इसीलिए गीता का अध्ययन करना ये एक जिम्मेदारी है. ये टाइम पास करने के लिए कोई नॉवेल पढ़ने के जैसा नहीं है. पहली बात तो ये है. तो हम गीता सुने पढ़े, अध्ययन करें, सत्संग सुने, लेकिन महत्व की बात, गीता का पहले श्रवण करना है. अपने मर्जी से गीता कभी नहीं पढ़नी चाहिए. अच्छा. क्योंकि शास्त्रों के नियम है श्रवण मनन निधिध्यासन. गुरु मुख से सुनने से ही ज्ञान ठीक होता है. हम अपने मर्जी से सुनेंगे पढ़ेंगे तो फिर अपने मन की जो कमियां है वो उसमें डाल देंगे और गीता के अर्थ का अनर्थ होगा. और इसीलिए हमको गीता का
गुरुमुख से श्रवण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अच्छा। उसके पश्चात उस पर थोड़ा मनन भी करना चाहिए। मनन कैसे करना है कि जो हमने सीखा है क्या हम उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं या दूसरे को दे रहे हैं। देखो जब तक के ज्ञान के साथ हम मनन नहीं करते तब तक के वो ज्ञान अपना नहीं होता जी। और जब ज्ञान अपना होगा तभी हम अपने जीवन में उतारेंगे जी। नहीं तो हमेशा यही कहेंगे देखो गीता ने ये कहा, उसने वो कहा है, आपको क्या कहना है, हम तो फ्रस्ट्रेटेड है भैया, ऐसा ना हो। इसीलिए गीता का अध्ययन करना एक जिम्मेदारी है, टाइम पास करने के लिए नहीं, उसको जीवन में उतारना है, नहीं तो हमारी स्थिति धृतराष्ट्र के जैसी होगी। धृतराष्ट्र माने जैसे सास अपने घर को ऐसी पकड़ के रखती है कि नई आई हुई बहू परेशान हो जाती है, तो वैसा न हो। हम गीता सुन करके अपने फैमिली से दूर रहे, ज्यादा चिपक करके रह करके दुख निर्माण ना करें जी। पहली बात गीता से ये हम इसलिए बता रहे हैं, हम कई घरों में जब जाते हैं ना तो वहाँ यही एक समस्या होती है, ये जो सास बहू का जो हमेशा का चक्कर है इसको यदि हल करना है तो बड़ों को समझ होनी चाहिए कि हमने तो अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, अब उनको उनका जीवन बर्बाद करने दो, उनके जीवन के बर्बादी में उनको मदद ना करें, बस यही करना है। अच्छा। नहीं तो हम धृतराष्ट्र बनेंगे। अब दूसरी बात, धृतराष्ट्र ने ये सुना था कि 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया जी। और उस विश्व रूप में ये भी दिखाया कि जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, जयद्रथ इत्यादि, सभी के सभी भगवान के उस विश्व रूप के मुख में प्रवेश कर रहे थे और भगवान विश्व रूप उनको खा रहे थे चबा चबा करके। ये जब धृतराष्ट्र ने सुना तो ये सुनने के बाद तो उसने कहना चाहिए था ना कि देखो अब युद्ध बंद करो। हाँ। लेकिन ये नहीं किया बंद, क्या कारण हो सकता है इस पर चिंतन करना आवश्यक है। हाँ जी। नहीं तो क्या हो जाता है, हम मैकेनिकली पढ़ते हैं, ओ भगवान ने विश्व रूप दिखाया वगैरह वगैरह, उससे कुछ निकलता नहीं। तो ये सवाल आता है कि ऐसा धृतराष्ट्र ने क्यों नहीं कहा। हाँ। तो फिर हमको महाभारत का अध्ययन करने से पता चलेगा कि जो भगवद गीता संजय ने धृतराष्ट्र को बताई थी वो 10वें दिन बताई थी युद्ध शुरू होने के बाद। अच्छा। और जो भगवद गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी वो भगवद गीता युद्ध शुरू होने के पहले बताई थी। हो गया ना फर्क। यस यस। और ये तो कोई आपको बताएगा नहीं, ये बताएंगे तो हमारा मार्केट खत्म हो जाएगा ना। ये देखो महाराज, ये महत्व की बात है। अच्छा। तो सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों। तो आप यदि भगवद गीता का पहला श्लोक सुने तो उसमें क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र उवाच। उवाच। यस। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय मुझे बताओ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के बच्चों ने आकर के किस लिए आए थे, वो युद्ध करने के लिए आए थे, तो वहां आने के बाद उन्होंने क्या किया, ये प्रश्न बन ही नहीं सकता। देखो कभी कोई प्रश्न पूछेगा क्या कि वो दोनों डाइनिंग टेबल पर आ गए, खाना सामने आ गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अरे खाना खाया, उसमें क्या प्रश्न है। इसी प्रकार से ये प्रश्न बन ही नहीं सकता। अच्छा। और फिर भी यदि ये प्रश्न भगवद गीता में है तो उसका अर्थ क्या है, इस पर चिंतन करना जरूरी है। हम लोग चिंतन नहीं करते, चिंता करते हैं। बहुत बहुत सच बात कही। चिंता मत करो बाबा, चिंतन करो। तो चिंतन क्या है, यह जो भगवद गीता संजय ने धृतराष्ट्र को बताई थी वो 10वें दिन बताई थी, और रोज युद्ध के मैदान में कितने लोग मारे गए हैं,
कितने लोगों को हाथ पैर टूट गए, कितने हाथी मारे गए, कितने घोड़े मारे गए, इसकी पूरी लिस्ट की लिस्ट जो है वो धृतराष्ट्र के पास राजा होने के कारण हर दिन का हिसाब पहुंच जाता था। अच्छा, यदि ऐसा हो रहा है तो ये प्रश्न कैसे बन सकता है कि युद्ध के मैदान में मेरे और पांडु के पुत्र आकर के उन्होंने क्या किया, ये प्रश्न हो ही नहीं सकता। नहीं, इसका कारण क्या है, हम प्रश्न का तात्पर्य नहीं समझते। प्रश्न के क्या क्या पहलू हो सकते हैं, एक तो पहलू है हम किसी के ज्ञान को जानना चाहते हैं, इसको कितना ज्ञान है। जैसे परीक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछा जाता है, भारत की राजधानी का नाम क्या है, तो वहां प्रश्न का तात्पर्य क्या है, उस बच्चे के ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। यदि बच्चे ने ऐसा लिख दिया कि सर आपको किसने टीचर बनाया है आपको इतना भी मालूम नहीं, तो ये तो गलत हो गया ना उत्तर उसका। तो पहले प्रश्न का तात्पर्य होता है किसी के ज्ञान की परीक्षा लेना। तो ये जो धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न पूछा है ये ज्ञान की परीक्षा का प्रश्न नहीं था। दूसरी बात कि ये जो प्रश्न पूछा है ये आश्चर्य का है। आश्चर्य में भी आदमी प्रश्न पूछता है, अरे ये कैसे हो गया। हाँ। उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता। अच्छा, क्योंकि उसमें आश्चर्य है। हाँ। ये प्रश्न का दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि ये असंभव है, ये कैसे हो सकता है। जी। ये तीसरा पहलू जो था वो धृतराष्ट्र के प्रश्न में था, क्योंकि दसवें दिन एक बड़ी असंभव घटना घट गई थी महाभारत के युद्ध में, और वो ये थी भीष्माचार्य अर्जुन के बाणों से लग करके शरशैया पर लेट गए थे। अच्छा, तो ये असंभव था क्योंकि पूरे महाभारत के युद्ध में भीष्माचार्य के जैसा योद्धा एक भी नहीं था। तो ऐसे भीष्माचार्य को अर्जुन के बाणों ने मार करके नीचे गिरा दिया, ये कैसे संभव है, ये उस प्रश्न का अर्थ है। इसीलिए जो भगवद गीता के 11वें अध्याय में विश्व रूप का दर्शन है, ये दर्शन का जो हुआ था अर्जुन को वो युद्ध के पहले हुआ था, और इसका अर्थ या ज्ञान धृतराष्ट्र को दसवें दिन हुआ था। देखो कितना फर्क है जी। और इसीलिए अब वो 18 दिन के युद्ध में 10 दिन तो बीत गए हैं। अब धृतराष्ट्र की यह स्थिति थी कि ना तो वो छोड़ के भाग सकता था, ना तो वहां रह सकता था जी। और इसीलिए उसके मन में प्रश्न आया कि ऐसे क्या हो गया कि जिसके कारण भीष्माचार्य के जैसे जो एक अजेय वीर थे, अजेय शक्तिमान थे, वो कैसे हार गए, वो कैसे गिर गए, क्या हुआ था। इसके प्रश्न को लेकर के संजय बताते हैं कि देखो हे राजन, संजय कहते हैं दृष्ट्वा तु पांडवा अनेकम व्यूढ़ दुर्योधन सदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम जमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो वहां संजय शुरू करते हैं, जब ये युद्ध के मैदान में जब आ गए युद्ध करने के लिए जी। तो दोनों युद्ध सैन्य एक दूसरे के सामने खड़े थे। उस समय तुम्हारा पुत्र जो था दुर्योधन, उसने क्या किया, उसने भीष्माचार्य द्रोणाचार्य इनके सामने जाकर के कहा कि देखो ये पांडवों की सेना बहुत शक्तिशाली है, और उसमें जो द्रुपद पुत्र है उसका जन्म हे द्रोणाचार्य जी आपको मारने के लिए हुआ है, माने
उसके बोलने में भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के प्रति एक संदेह था कि ये क्या हमको जिताएंगे या हराएंगे, क्योंकि जो दुर्योधन था हमेशा संशय से ग्रसित होता था, उसका किसी पर भी विश्वास नहीं रहता था। और ये तो सबको मालूम बात थी कि द्रोणाचार्य के सर्वश्रेष्ठ जो शिष्य है वो अर्जुन है, और भीष्माचार्य के सबसे प्यारे पोते कौन है तो अर्जुन है, और इसीलिए उसने जाकर के बोलना शुरू कर दिया, देखो ये अर्जुन ये पांडवों में ये लोग हैं, और आप अपने पुराने रिश्ते निकाल करके उनके प्रति ढीले मत होना, ये उसको इनडायरेक्टली बताना था। अब देखो जो भी योद्धा युद्ध करने के लिए आवे और उसके बारे में आपके मन में संदेह हो तो वो योद्धा क्या ठीक से युद्ध करेगा? देखो तो उसने इस प्रकार से कर लिया। तो उसके पश्चात फिर भीष्माचार्य ने देखा कि अब ये लड़का जो उल्टी सीधी बात कर रहा है, पहले तो उसने पांडवों के सभी बड़े बड़े जो योद्धा थे सबके नाम गिना दिए, और फिर उसको लगा कि देखो हमारा उनका सैन्य तो इतना प्रबल है और हमारा भी ठीक ही है, अपर जातम तदमेतेषां बलम भीमा विरक्षितम, इस प्रकार से उन दोनों सैन्यों की उसने तुलना करी। और जब ये हुआ फिर वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हमारे पास भी तो बहुत अच्छे अच्छे है, जैसे आप है, भीष्माचार्य है, बड़े बड़े राजा है, तो वो अपनी ये गलत जो प्रस्तुतिकरण था उसको ठीक करने के लिए अब इनको थोड़ा बहुत मलम पट्टी कर रहा था, लेकिन जो कुछ बुरा होना था वो हो चुका था। और उसी समय फिर भगवान कृष्ण और अर्जुन इनका रथ आ जाता है युद्ध के मैदान में, और फिर संजय बताता है उस समय जब युद्ध के मैदान में अर्जुन का रथ आया तो भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि दो सैन्यों के बीच में मेरा रथ ले चलो। और भगवान कृष्ण ने ये दो सैन्यों के बीच में रथ ले आए, और कहाँ रखा उन्होंने? उन्होंने रखा भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने। यहाँ से पूरी भगवद गीता बदल जाती है। अच्छा देखो भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्यताम समवेतान कुरु नीति। तो भगवान को तो कहा था कि दो सैन्यों के बीच में ले जाओ। कल्पना करो यदि भगवान अर्जुन का रथ ले जाते हैं दुर्योधन के सामने तो अर्जुन को कोई संदेह होता क्या? कोई संदेह नहीं होता। लेकिन उन्होंने क्या किया? यही तो कन्हैया की चाल है भगवद गीता की समझने जैसी। ये अर्जुन का रथ जो है उन्होंने भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने ले गए। और उतना ही नहीं, उन्होंने कहा आगे कि तुम देखना चाहते हो ना इसके साथ युद्ध करना है, तुमको दुश्मनों से नहीं अपनों से युद्ध करना है। यस देखो संतो, यही महत्व की बात भगवद गीता पढ़ाती है। दुश्मनों को मिटाना हराना कोई कठिन बात नहीं होती, लेकिन जब अपने ही दुश्मन बन जाते हैं तब भगवद गीता काम आती है महाराज, समझे? हाँ जी, हाँ जी। और यही भगवद गीता का मैसेज है। हाँ। क्योंकि जब भगवान कहते हैं अर्जुन को पश्येतान कुरुन पार्थ, पांडव भी कौरव ही थे, दोनों ही एक वंश के थे। हाँ। कुरु वंश के थे इसीलिए कौरव थे, भले उनको पांडव कहे। हाँ। लेकिन थे कौरव ही। हाँ। और उसके उसको लेकर के भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम देखो अपने ही कुल के सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं, अब इनको तुम मारो। हाँ। ऐसा जब कहा तो अर्जुन ने देखा सामने भीष्माचार्य द्रोणाचार्य जो उनके आदरणीय स्थान थे। यस। उन आदरणीय स्थान को लेकर के एकदम मानो उसको पसीना आ गया। हाँ। और अर्जुन अपने ही शब्दों में कहता है गांडीवम संसते हस्तात्पक चैव परिदह्यते न च शक्नम्य वस्थातुं भ्रमति वचमे मनः। कहता है कि हे भगवान, अब तो मैं एकदम घबरा गया हूँ, मुझे तो अपनों को ही मारना है। भीष्माचार्य द्रोणाचार्य ये कौन है? ये दोनों पूजार हो मुरिसूदन। हे भगवान, वो तो पूजा करने वाले, पूजा करने योग्य है, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ? मैं तो नहीं मार सकता हूँ। अब मेरा मन भी ठिकाने पर नहीं है, मन चक्कर काट रहा है। हाँ जी। अब यहाँ भगवद गीता तीन मैसेज देती है जी। पहला मैसेज, जब आप बहुत खुश होते हो। हाँ।
तो किसी को कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। अच्छा, खुशी में प्रॉमिस करने से बाद में पछतावा होता है। हाँ। जैसे दशरथ जी ने कैकेयी को खुश होकर के प्रॉमिस किया था, जब कैकेयी ने दशरथ जी के युद्ध के समय उनको मदद करी थी। हाँ। तो कहा था कि तुमको जो चाहिए मांग लो, मैं खुश हूँ। तो उसने कहा मुझे 3 वर चाहिए। बोले मांग लो। बोले अभी नहीं, जब समय आएगा तब मांगेंगे। हाँ। और उसी के कारण रामायण हो गए। हाँ। इसीलिए खुश होकर के किसी को प्रॉमिस मत करो, मत करो। हाँ। दूसरी बात, जब आप गुस्से में हो जी, तो किसी के साथ डिस्कस मत करो। ओ, अच्छा। हाँ। गुस्से में आकर के आदमी अपशब्द बोल जाता है, जो नहीं कहना है वो कह जाता है। हाँ, बाद में पछतावा होता है। यस। और तीसरी महत्व की बात भगवद गीता बताती है कि ये सब बातें आपको भगवद गीता में ढूंढ के निकालने पड़ती है। अच्छा। और तीसरी बात है कि जब आप कंफ्यूज हो, हाँ जी, तो कोई निर्णय नहीं लेना है। डोंट मेक एनी डिसीजंस व्हेन यू आर कंफ्यूज। और अर्जुन ने यही बात करी। तीसरी बात, वो कहता है भ्रमति वचे में मना, मेरा मन चक्कर काट रहा है। हाँ, इधर उधर में मैं ठीक से विचार नहीं कर सकता हूँ। हाँ, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, हाँ, वो फिर लग जाते हैं अनावश्यक चीजों में। देखो मुझे लगता है अपशकुन हो रहा है। हाँ, ये अपशकुन, अच्छा शकुन, ये कायरों के लक्षण है। अच्छा, ये योद्धाओं के लक्षण नहीं है। हाँ, अर्जुन कहता है निमित्तान जब मैं पश्चामी, मैं यहाँ दो बड़े अपवित्र देख रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है लक्षण। हमको तो युद्ध करना ही नहीं चाहिए। ये सब बातें भगवान सुन रहे, बोल एक भी नहीं रहे। अच्छा। तो अर्जुन ने भगवान के मौन का अर्थ ये निकाला कि भगवान मानो उनकी बात मान रहे हैं। ओ, अच्छा। और फिर उसने और अपना तर्क देना शुरू कर दिया। अच्छा। देखो, और फिर वो सिखाता है भगवान कृष्ण को धर्मशास्त्र। कि ये युद्ध में सभी पुरुष लोग मारे जाएंगे, केवल स्त्रियां रहेगी, फिर बाहर के लोग आकर के अटैक करेंगे। हाँ। और फिर अनावश्यक बच्चे पैदा हो जाएंगे। अच्छा। धर्मशास्त्र का विलोप होगा। हाँ। कोई पिंडदान नहीं करेगा। हाँ। और सभी के सभी नरक में जाएंगे। हाँ। अरे राम 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 राम, अच्छी बात है मैंने युद्ध नहीं किया, अब तो मैंने निर्णय ले लिया है। एतान्न हन्तुम इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, हे मधुसूदन, मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो हो किम्नु मनिक मही कृते, तीन दुनिया का राज्य भी मिल जाए तो भी मुझे ये युद्ध नहीं करना। व्हाट टू टॉक अबाउट दिस वर्ल्ड, इसीलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। एक बार आपने निर्णय ले लिया, उसके बाद विचार करोगे तो अपने निर्णय का समर्थन करोगे या उसका निराकरण करोगे? हाँ, देखो यही बात होती है। ये जो लायर होते हैं ना, जिसको आप लोग लॉयर कहते हैं, होते लायर ही है। उदाहरण के लिए समझो, मैंने किसी एक लॉयर को हायर किया है, ये उदाहरण है, सत्य नहीं है। और कहा कि देखो भाई, मैंने अमुक अमुक गलती करी है, अब मुझे इससे बचाओ। तो अच्छा। लॉयर क्या करेगा, पहले निर्णय ले लेगा कि मेरा क्लाइंट इनोसेंट है, और बाद में विचार करेगा तो अपने निर्णय का वो समर्थन करेगा या निराकरण करेगा? समर्थन करेगा। इसी प्रकार से अर्जुन ने पहले निर्णय ले लिया, चेतान अच्छा। अंतम इच्छामि, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर बात करने लगेगा। यही मूर्खों के लक्षण होते हैं। यही व्यक्ति जब ज्यादा अपने को समझदार समझता है तब ये होता है। अच्छा। इसीलिए तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित, भगवान कहते हैं भगवद गीता के आखिरी आखिरी में कि जीवन में क्या करनीय है क्या नहीं करनीय है, इसका निर्णय शास्त्र प्रमाण से होना चाहिए, अपने मर्जी से नहीं। अच्छा। और हम लोग चलते हैं अपने मर्जी से, अपने मर्जी से। और इसीलिए महाराज भगवद गीता को ठीक से सुनो, समझो और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। ये जितने भी सुनने वाले हैं उनको एक बात बताएं, रोज आप अपने जीवन के अनुभव से क्या सीखे हो। हाँ। इसकी एक डायरी बनाओ। हाँ जी। एक बढ़िया नोटबुक ले लो, उस पर लिखो ऊपर में व्हाट आई हैव लर्न टुडे, और रोज एक नई चीज सीखो अपने जीवन से।
और धीरे धीरे एक साल हो जाएगा तो आपने 365 बातें सीख ली होगी। हाँ, ये बात और जो व्यक्ति अपने जीवन से सीखता है उसके हृदय में सद्गुरु प्रकट हो गए। यस, सद्गुरु एक ही होता है। बाहर के गुरु जो होते हैं ना, फोटो लगा करके फ्रेम में उनको दीवार में क्रूसीफाई कर दिया है, वो वहां के लिए ठीक है, डेकोरेशन के लिए। लेकिन असली सद्गुरु होता है जब हम अपने अनुभूतियों से सीखते हैं। अच्छा। और जो आदमी सीखता नहीं उसको कोई मदद नहीं कर सकता, जो सीखता है उसको कोई रोक नहीं सकता। यही भगवत गीता में है। भगवान ने अंतिम जाकर के अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुमको ज्ञान हो गया क्या, भगवान ने कहा तुम्हारा मोह नष्ट हो गया कि नहीं। अच्छा। और अर्जुन भी कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तो हमारी सब समस्या ज्ञान की नहीं है, हम तो ज्ञान स्वरूप है ही, लेकिन मोह में फंस गए है। मोह किसका, मैं और मोर तोर तय माया, मैं मेरा तू तेरा, इसी मोह में फंसे हैं। इस मोह से जो हट गया उसका जो ब्रह्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो प्रकट होगा। अच्छा। और इसीलिए भगवत गीता ज्ञान नहीं देती, मोह को हटाती है। और ये पूरी भगवत गीता को एक लाइन में समझना है तो हमारा हैप्पी मंत्र माला जो है उसमें बताते हैं वेरेवर यू आर, व्हेनेवर यू आर, व्हाटएवर यू आर, बी 100%। अर्जुन कहाँ था, अर्जुन था युद्ध के मैदान पर। तो युद्ध के मैदान पर क्या होना चाहिए, किसी का पोता, किसी का शिष्य या योद्धा होना चाहिए, वही वो गलती कर बैठा। इसी प्रकार से हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, वही खाना वही पीना, बच्चे पैदा करना, आहार निद्रा भय भयतुरंच पशुतुल्य, नहीं। मनुष्य जीवन का तात्पर्य हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होवे। हाँ जी। इसके लिए अपने आप को इतना शुद्ध पवित्र बनावे समझदारी से, तब जा करके जिसके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं उन्हीं को महात्मा कहते हैं। महात्मा माने कोई मैन्युफैक्चर नहीं होते, मेहनत से अपनी साधना करो और मौज में रहो। हम एक मिनट के लिए हमारी हैप्पी मंत्र माला को प्ले करते हैं, आप सुनो और मौज में रहो, उसी के साथ हमारा सत्संग पूरा सुनते रहो। अभी नमस्ते आपको, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं पता नहीं, जो भरी राय सो भरी राय, तो दोनों बैठो देखो सुनो मत बोलो, किसी को मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना जय श्री कृष्णा टू एवरीबडी। जे एस के जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और आपको हम प्रणाम करते हैं और बहुत ही आभार फ्रॉम न्यू साउंड रेडियो। नमस्ते, 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 थैंक यू, थैंक यू।